मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है, हाँ पापा मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम सातवें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता, अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वह बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया, स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल रचना को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया, नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब तो आएं खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा, अरे क्या हुआ, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो कि रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रचना को तो मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी, अपने हाथों से ही बनाए अध पके और जले खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम है अभी आता हूँ, कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी जो बहुत देर से चुप बैठी थी बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी जितना किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।